की सेक्ट्री कसूर चौधरी जाफर और उनकी टीम के हमरा टीम कौन पूछेगा मौजूद रही एक चौक में। मुख्तलिफ व्हीकल्स का मुआयना किया गया, लाइसेंस परमिट फिटनेस सर्टिफिकेट और इसके अलावा इंजन का मुआयना किया गया। इंतजामिया ने देखा कि अगर कोई भी व्हीकल इंजन की तरफ से फिट ना हो, उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट ना हो या फिर उसका इंजन धुआं मारता हो, वो स्मॉग का बायस बनती है। बहुत से जहरीले जरासीम और कसाफतें हवा में शामिल करती है जिससे मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं। आरटी सेक्ट्री का कहना था कोई भी ऐसे व्हीकल मौजूद नहीं है और ना ही ऐसी मिलेगी कि जिसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट ना हो। आरटी सेक्ट्री और उनकी टीम ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की। ये इसका रूट है। ये इसका रूट है, बिल्कुल ठीक है। ये इसका रूट है, ये विक्स वालों ने अप्रूव किया हुआ है, ठीक है। और ये इसकी वैलिडिटी है 2024 तक, ठीक है, ठीक है। और ये इसकी पासिंग है, ये जो आपको विक्स फिटनेस सर्टिफिकेट 12 मार्च 2024, ठीक है। मीन्स इसकी फिटनेस और रूट दोनों इसके ठीक है, वैलिड है, ठीक है। और दूसरा इंजन इसका आपने देख लिया, नहीं है, बिल्कुल सही। ये अभी आपने चेक किया कि एक तो रूट परमिट और इसके साथ साथ जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो चेक किया गया, और फिर इसके साथ साथ इंजन भी चेक किया गया कि ये स्मॉग का बाइस तो नहीं बनेगा, ये आलूदगी का बाइस तो नहीं बन रहा। इसी तरह ये गाड़ी है, ये 7 दिसंबर 2023 तक इसकी है पासिंग है, फिटनेस सर्टिफिकेट जो है इसने विक्स से लिया हुआ है। और ये इसका रूट है, ठीक है। और इसका रूट जो है वो है 2024 डेट ऑफ एक्सपायरी, ठीक है। इसकी भी दोनों चीज़ें हैं। इसका धुआं ज़रा देख लें आप, धुआं चेक करें, धुआं चेक करवाएं। जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भी बंद कर दिया जाता है, उनको हम सारी को इम्पाउंड कर रहे हैं, ठीक है। और वो जो गाड़ी हम इम्पाउंड करते हैं उसको हम फिर लेके जाते हैं, जब ये हमारे पास आते हैं थाने में बंद हो जाती है, फिर ये लेके आते हैं हमारे पास, हम इन्हें भेजते हैं विक्स पे। पहले आप जाके वहाँ से फिटनेस अपनी करवाएं, जब वो फिटनेस कराते हैं विक्स वाले उसे अप्रूव करते हैं तो फिर हम उनको फाइन करके छोड़ते हैं, वो सारी गाड़ियाँ इम्पाउंड करते हैं। अब ये काला स्मोक जो है, ये काला धुआं है जी इसका, और ये स्मोक का बाइस बनता है। बड़ा काला धुआं चाचा जी, इंजन जो है तुम्हें पता है, इंजन को मेंटेन करो ना फिर ठीक है, इंशाल्लाह कर दें जी सर। क्या इसको बंद करेंगे? इसको हम अभी हम पाउंड करेंगे, ये दोबारा से अपना इंजन जो है उसको करवाएंगे, विक्स सर्टिफिकेशन दोबारा करवाएंगे, तो फिर हम इसको ये बंद कर देंगे ये गाड़ी। और जब तक फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बंद होगी गड्डी, क्योंकि आलूदगी सब तो ज़्यादा फैला रहे हो सर। मैं देख के देखी ना कितना काला धुआं है, जानता ही नहीं जिस तरह धुआं बाहर निकले। ऐसी गाड़ियों को रोड पे चलने की इजाजत नहीं है, कहने का मतलब ये सेक्टर ट्रांसपोर्ट ने एक प्रॉपर जो है कैंपेन शुरू की हुई है कि जितनी स्मोकी गाड़ियां उसको सारी। अभी एक और काम हमने ये किया था कि जो हमारा पीछे सेंटर था, हमने पूरे कसूर में स्मोकी गाड़ियां और विक्स सर्टिफिकेशन के बगैर कोई भी कसूर में गुड्स ट्रांसपोर्ट है सारों पे दाखिला बंद किया हुआ। हमारे पास जितने अड्डे हैं किसी अड्डे पे आपको सर्टिफिकेशन के बगैर गाड़ी खड़ी नज़र नहीं आएगी, सारों के पास विक्स के सर्टिफिकेट और सारे रूट के बिना हम कोई गाड़ी वहाँ पे खड़ी होने की परमिशन दे ही नहीं रहे। कर रहे हैं आपके साथ ड्राइवर कम्युनिटी बेसिकली, हम अड्डे जितने भी हमारे यहाँ पे हैं जितने सी क्लास या डी क्लास अड्डे हैं वो सारों को हमने पाबंद किया और वो सारे कोऑपरेट भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही है।